Switching off the computer. After completing your work on the computer, always remember to close it. जब आपका वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को आपको क्लोज करना होता है. क्लोजिंग द कंप्यूटर मीन्स टू शट डाउन और टर्न ऑफ द कंप्यूटर. क्लोज करने का मतलब होता है कंप्यूटर को शट डाउन करना या फिर टर्न ऑफ करना. फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट, क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर वर्किंग इन एंड सेव द डाटा बिफोर शटिंग डाउन. सबसे पहले आपको उन प्रोग्रामों को क्लोज करना होगा जो जिसमें आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे थे. एंड सेव द डाटा बिफोर शटिंग डाउन. और आपको उन डाटा को सेव करना होगा शटिंग डाउन करने से पहले. स्टेप वन, क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार. आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. अ मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज शोन. और आपको एक मेन्यू दिखाई देगा. स्टेप टू, नाउ क्लिक द शट डाउन कंप्यूटर ऑप्शन. तो आपको क्या करना है, आप शट डाउन करने के लिए कंप्यूटर के ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा. अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा. स्टेप थ्री, क्लिक द शट डाउन बटन. फिर आपको उधर शट डाउन का बटन शो होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है. लॉग ऑफ स्क्रीन लाइक दिस अपीयर. तो आपको कंप्यूटर पे ऐसी इमेज शो होगी एंड यहाँ पे आपको क्या करना, ओके का बटन दबाना है. नाउ द कंप्यूटर इज शटिंग डाउन. अब कंप्यूटर बंद हो रहा है. इन अ फ्यू सेकेंड्स इट विल गेट ऑफ ऑल द इंटरनल फंक्शंस. अभी कुछ ही सेकेंड में अपने कार्य को पूरा क्या कर देगा, क्लोज कर देगा. स्टेप फोर, नाउ स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन. फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो पावर सप्लाई बटन था उसे आपको स्विच ऑफ करना है, जो कि आपको ऐसे करना होगा. फैक्ट ट्रेजर, व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू शट डाउन इटसेल्फ. जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हो तो सीपीयू अपने आप ही बंद हो जाता है. डू नॉट स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द सीपीयू. तो आपको सीपीयू के पावर बटन को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट आते हैं हम स्टेप फाइव, नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ द यूपीएस. अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने स्विच ऑन किया था यूपीएस का पावर बटन, वैसे ही आपको यूपीएस का पावर बटन स्विच ऑफ भी करना होगा. स्टेप सिक्स, फाइनली स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन. फिर आपको सिक्स स्टेप में, लास्ट स्टेप में ये करना होगा कि जो आपने मेन पावर सप्लाई बटन स्विच ऑन किया था वही आपको लास्ट में स्विच ऑफ करना होगा. तो कंप्यूटर विल बी शट डाउन. द अबव स्टेप्स शो द शटिंग डाउन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर. जितने भी आपको यहाँ पे ऊपर स्टेप्स बताए गए थे ये शटिंग डाउन के प्रोसेस की प्रक्रिया है. When you turn off a computer, the CPU shuts down itself. जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हो तो CPU अपने आप ही बंद हो जाता है. Do not switch off the power. आपको CPU के पावर की स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो उसका पावर सप्लाई है उसे स्विच ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. Quick review. A computer works only if it switched on. Computer तभी काम करता है जब वो क्या होता है, switch on होता है. The screen that appears on starting the computer is called the desktop. जो भी आपको computer पर screen दिखाई देती है सबसे पहले उसे क्या बोलते हैं, desktop बोलते हैं. Desktop is the main page of computer files. जो desktop पर computer file होती है उस वह क्या होता है, main page होते हैं. कंप्यूटर फाइल्स का मेन पेज होता है डेस्कटॉप. द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स.
और डेस्कटॉप पर जो भी आपको स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देती है वो क्या कहलाती हैं, आइकन्स कहलाती हैं। यू कैन ओपन एनी फाइल और फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। आप कोई भी फाइल और फोल्डर को डबल क्लिक करने के बाद खोल सकते हो। व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, जब आप टर्न ऑफ करते हो कंप्यूटर को, CPU शट डाउन इटसेल्फ, CPU अपने आप ही शट डाउन हो जाता है। इफ़ द कंप्यूटर इज़ नॉट शट डाउन प्रॉपरली, जब आप यदि आप कंप्यूटर को शट डाउन प्रॉपरली तरीके से नहीं करते, इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, तो उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ समस्याएं क्या होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्रिएट हो सकती हैं।